If the excess pressure inside a soap bubble is balanced by an oil column of height 2 mm, then the surface tension of soap solution will be. हमको ना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक सोप है, सोप की वजह से बबल बनता है, उसके अंदर और बाहर फ्री सरफेस है, तो उसका जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, वो एक कैपिलरी में ऑयल राइज करा हुआ है उसके हाइट के बराबर जो प्रेशर आएगा, दैट इज़ एच रो जी। तो ये जो प्रेशर अप्लाई करेगा एच रो जी, वो इस सोप बबल के प्रेशर डिफरेंस के बराबर है, दैट इज़ 40 bar। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमको यहाँ पे सरफेस टेंशन निकालनी है सोप सॉल्यूशन की। देखो आर भी गिवन है, एच रो जी सब कुछ गिवन है, सिर्फ ये टी नहीं गिवन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आएगा। एच रो जी निकालते हैं, एस आई में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइट है 2 mm, तो 2 × 10³। रो आपके पास डेंसिटी 0.8 ग्राम ग्राम को करेंगे केजी में, पर सेंटीमीटर क्यूब को करेंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट, 10^-2 × 3, और जी की जगह आ जाएगा 9.8। सॉल्व करके बनेगा 15.68, और इसको 240 bar के बराबर कर देंगे। आर अपन को कितना दे रखा है, आर अपन को 1 cm, यानी कि 1 × 10^-2 meter। सॉल्व करके यहाँ से टी आ जाएगा हमारे पास 3.92 × 10^-2 newton per meter।